अमिताभ बच्चन को कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा मत बहुत प्रभाव पकई दिला सती लगी कच एक्सप्लोर करवार लगी मैं बाहरली टिटलागढ़ स्टेशन को गांधीधाम ट्रेन रहे कच को समझने के लिए जब गांधीधाम मैंने पहुंचा और गांधीधाम स्टेशन से बाहर आया ये लहराता हुआ तिरंगा देखकर मेरा मन भर गया और अपने आप में एक अलग अनुभव मन को भर दिया। मेरा पहला दिन का प्लान धोलावीरा जाके वहीं 5000 साल पुराना वो हरप्पन सभ्यता का जो खंडहर है उसको देखना और समझना और पढ़ाई के टाइम को याद करना। उसके साथ कच्छ का आज का जो कल्चर है जो बेनवाय है जो रहन सहन है उसको नज़दीक से समझना नज़दीक से देखना। घूमते घूमते ऐसे लोग भी मिल गए जो अलग पहनावा लेके घूमते थे उनका पहनावा देख के तो खुश हो गया लेकिन और एक चीज़ मेरे को ताजुब किया उनके पुतले का कारीगरी और सजावट मुझे ताजुब कर दिया खुश कर दिया। गाड़ी निकली जाते वाले मुई धोलावीरा बाहरली रास्ता रही कोटा गच माना ही पाइली मरुभूमिर सब प्रकार सूचना पूरा रास्ता जाक पूरा सेना पहुँचवार तक सब आड़े कोटा गच देखिकर उदास मन चली छे गाड़ी चली छे हटात देख ली जो पूरा धला दिशुची रन रन देखिकर गाड़ी के बारे कहली रक सांगे सांगे रक पूरा चमकी पड़ली मुई गाड़ी डेगिकर दौड़ली रन आड़के पूरा गबी जा पूरा रन रन अफ कच्छ दलदल दलदल वाह पूरा वाह ओके मोर सियानी कही नून टे सेनु धरिकी आसो से माइट के धरिकी आसो इटा कुरकुड़ी बाहर कला बेल के मोर आंगुट मैंने फाटीगला हेले भी सियानी कही बोले नहीं ना घर के पशी पार्मी तो रन अफ कच्छ पूरा धरती सफेद चादर में ढका हुआ है पूरा सफेद एकदम सफेद। जब रन के ऊपर चलोगे तो ये आवाज आएगा कच्छ कच्छ नूनी नमक के ऊपर जब चलोगे तो अलग मजा है अलग चीज महसूस होगा। वाह वाह क्या नजारा है क्या नजारा है क्या पूरा गुजराती गरबा ये लोग नाच रहे हैं पूरा गुजराती हाँ गुजराती गरबा एकदम खुशी में झूम रहे हैं ये गरबा वाह हाँ अरे यार ये तो गजब हो गया यार अरे बाप रे हाँ मरुभूमि देखार गोटे अलग मजा अलग आपका शुभ नाम भूपत सिंह भूपत सिंह कहाँ के मैं गांधीधाम का गांधीधाम का अच्छा अच्छा कितना साल हो गया आप गांधीधाम ओ तो यहाँ बहुत साल हो गए अच्छा आपका उम्र क्या है 62 अभी अच्छा ये रन जो है ये कहाँ से ये जो दिखाई दे रहा है ये तो पीछे आपका पीछे वही रन है ना व्हाइट रन है मेरे पीछे की साइड में हाँ हाँ ये व्हाइट रन से आप उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो ये एक अपना राजस्थान के अंदर जैसलमेर से मिलता है जैसलमेर जाके ये जाके ये रन हाँ, उधर उधर कच्छ ये भुज होगा कच्छ भुज से खावड़ा साइड से होके अपना आप सीधे राजस्थान जा सकते हैं जैसलमेर तक। अरे यहाँ से अपन आगे जाएंगे ना हाँ। समझ लो 50 किलोमीटर हाँ हाँ। तो अपना पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर आ जाता है जिसको सरदार चेक पोस्ट बोला जाता है सरदार चेक पोस्ट 50 किलोमीटर आगे हाँ 50-60 जब हम गए थे धोलावीरा उस टाइम हाँ धोलावीरा से भी अपन जा सकते हैं
वहाँ अपना बीएसएफ है, बीएसएफ चेक पोस्ट है, बीएसएफ का चेक पोस्ट है। ये पूरा रन नहीं, ये पूरा रन है, तो आप देख रहे ना व्हाइट व्हाइट। हाँ हाँ, ये व्हाइट व्हाइट वाला पूरा व्हाइट रन रास्ता बोलते जैसलमेर में मैंने ये वो है बालू का टीला देखा था और पूरा बालू का मरुभूमि देखा था, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है। ऊपर नमकीन है, नमक है, नमक के नीचे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर नमक है, नमक के नीचे मिट्टी है, और पूरा किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आपको नमक ही मिलेगा। ये नमक, ये सब नज़ारा देखने के लिए यहाँ गुजरात गवर्नमेंट ने एक रन उत्सव अक्टूबर से फरवरी तक उसको मनाते हैं, वहाँ अरेंज करते हैं। लेकिन जो रन एरिया है, जो फेस्टिवल है डोडो, वहीं अभी पानी भरा हुआ है। अगर भूज से 80 किलोमीटर दूर वो डोडो में रन उत्सव को आप देखना चाहते हैं तो आप दिसंबर लास्ट और जनवरी फरवरी में आइए। अभी आने का कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पानी भरा हुआ है। अगर नवंबर महीने में आपको रन देखना है तो आप ढोलावीरा आओ और रास्ते में ये रन देखो और एंजॉय करो और समझ लो रन को। रन के नमक को खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाने के नमक अलग से खेती होती है, ये उसकी नमूना है। इसके बारे में और अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कैसे नमक बनती है और हमारे पास आके पहुंचती है और हम खाते हैं उसको। खैबर नून अलग हिसाब रहती है, ऐसी अलग चास ऐसी और चास हेकरी अंतरी सब ट्रक मान को लोड हेकरी पोर्ट के जैसी से पोर्ट रू विभिन्न एरिया के ट्रांसपोर्ट हेसी आरो किसी आमने के पैकेट हेकर पहुँचेसी जेनटा कि आम खाइसु से तार अलग गोटे वीडियो करमी। ये पोर्ट मान को बाहर के जाऊँ।